Top headlines for the day. पार्टी चले ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फिल्मी यार और यहां पर आपको बताना चाहता हूं, आप लोग कंटिन्यूसली पूछे थे राहुल भाई आपने तो पार्टी सॉन्ग सुन लिया है, आपने तो उसके म्यूजिक कंपोजर्स का तक इंटरव्यू ले लिया है, तो हमें ये तो बता दो कि सॉन्ग कब आ रहा है। फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है 2 दिन के बाद, आज है 6 तारीख यानी कि 7-8 तारीख को आएगा पार्टी चले ऑन एंड ऑन। आपको बता दूं विकी हार्दिक ने इसे कंपोज किया है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग ट्रेमेंडस म्यूजिक कंपोजर हैं, न्यू टैलेंट है और सॉन्ग है ना अमेजिंग है, ग्रूवी है, मैंने खुद सुना है दोस्तों उनके स्टूडियो में सुना है। और इसमें भाईजान सलमान खान, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह ये सभी होंगे और डांस करते हुए हम देखेंगे इन्हें। उलिया बंतूर जी ने आवाज़ दी है और मिका पाजी ने अपनी आवाज़ दी है। तो ये गाना आ रहा है 2 दिन के बाद, आपको बताऊंगा, लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा आपको, सारी चीज़ें इसकी लेकर आऊंगा। वेल, ये जो पार्टी एंथम है, ये सॉन्ग जो है सबसे पहले शूट किया गया था, जब मैंने विकी राजा जी से और हार्दिक आचार्य जी से बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि रेस 3 के सबसे पहली जो शूटिंग हुई थी इसी गाने के साथ हुई थी। आई एम तो सुपर एक्साइटेड क्योंकि मेरे दिमाग में है पार्टी और मैं चाहता हूँ कि पार्टी चले ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के क्वेश्चंस का जब आंसर मिल गया है तो आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, आप कह रहे थे ना कंटिन्यूसली कि ये गाना आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्साइटमेंट जाहिर कीजिए और आप सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। एंड इसी तरीके की अपडेट्स के लिए देखना ना भूले फिल्मी आरा राहुल भोज के साथ। बजरंगी भाईजान के बाद अब सलमान खान की 2 और फिल्में मचाएंगी चाइना में धमाका। वेल, सलमान खान जो इन दिनों अपनी अपकमिंग वेंचर रेस 3 को प्रमोट करने में बिजी हैं, उन्हें जब एक हालिया इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया बतौर एक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर, क्या उन्हें लगता है कि चाइना फिल्म बिजनेस के लिए एक प्रमोशनल मार्केट है, तो इसके जवाब में सलमान ने कहा, चाइना बॉलीवुड फिल्म के लिए एक अच्छी मार्केट है, हमने वहाँ बजरंगी भाईजान रिलीज किया था और अब बहुत जल्द सुल्तान भी वहाँ रिलीज होने जा रही है, इसके बाद रेस 3 को भी वहाँ रिलीज करने के प्लान्स हैं। वैसे तो कई फिल्मों के चाइनीज बॉक्स ऑफिस तक रास्ता ढूंढने में कई साल लग जाते हैं, पर सलमान का यू रेस 3 के रिलीज से पहले ही उसे चाइना में रिलीज करने के प्लान से इस बात की गवाही देती है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट होगी। सलमान खान अपने फैंस को सरप्राइज देने में कभी भी नहीं चूकते। अब देखिए ना, रेस 3 की रिलीज हुई ही नहीं कि सलमान ने अभी से रेस 4 की प्लानिंग शुरू कर दी है। जी हाँ, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान रेस 3 को लेकर बात करते हुए सलमान ने बताया, रेस 3 की खूबी ये है कि इसे 3 गुना बेहतर बनाया गया है। रमेश तौरानी इस फिल्म के मालिक हैं। हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, यानी फायदा या नुकसान हमारा ही होगा। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मुझे ज्यादा बिजनेस समझ नहीं आता। ये फिल्म सिर्फ मेरे रहने से नहीं बन पाती, को स्टार्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स और म्यूजिशियंस के साथ साथ फैंस की मौजूदगी भी जरूरी है। एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, हम रेस 4 बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। वेल, यानी रेस 3 के रिलीज से पहले ही सलमान एक बार फिर सिकंदर बनकर आने की तैयारी कर चुके हैं। और बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के लिए जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। रेस 3 के लिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुका है, अब ऐसे में भाईजान ने अपने फैंस को दिया एक धमाकेदार ऑफर। जी हाँ, इस दिन सलमान खान फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक अनोखे कॉन्टेस्ट का ऐलान किया, जिससे भाईजान के फैंस जीत सकते हैं रेस 3 के टिकट्स और मर्चेंडाइज। और इसके लिए सिर्फ आपको आपके पसंदीदा रेस 3 एक्टर के अल्लाह दुहाई है स्टेप्स कॉपी कर म्यूजिकली पर डालने होंगे और बस इसी से आप भी जीत सकते हैं फ्री रेस 3 टिकट्स और मर्चेंडाइज। वेल, अब बात करते हैं इस फिल्म की। रेमो डिसूजा के निर्देशन में बनी रेस 3 को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है और हो भी क्यों ना, एक तो रेस जैसा मच लव्ड फ्रेंचाइजी और ऊपर से सलमान खान की फिल्म और वो भी ईद पर रिलीज होने जा रही है, ऐसे में एक्साइटमेंट तो बनता है। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त की बायोपिक संजू इस साल की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। वैसे तो इस फिल्म के ट्रेलर और प्रोमोस को देख सभी का ये मानना है कि रणबीर कपूर ने संजय दत्त के किरदार को बखूबी निभाया है, चाहे वो संजय का चाल ढाल हो या फिर बात करने का ढंग। लेकिन बॉलीवुड सुपरस्टार और संजय दत्त के क्लोज फ्रेंड सलमान खान की माने तो इस फिल्म में संजय दत्त के करियर के पिछले 10 साल उन्हें खुद निभाने चाहिए थे। वेल, क्योंकि उस लास्ट डेकेड के साथ संजय के अलावा कोई और जस्टिस नहीं कर सकता। आपको बताते चले कि रेस 3 के एक ग्रुप इंटरव्यू के वक्त संजू के बारे में पूछे जाने पर सलमान का ये रिएक्शन रहा। वैसे अगर आपको पता ना हो तो बता दें, जहां रेस 3 15 जून को रिलीज हो रही है,
वहीं संजू 29 जून को रिलीज हो रही है। सलमान खान न केवल बड़े पर्दे पर ही लोगों के मसीहा बनते हैं, बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान कई लोगों के मसीहा हैं। वह कुछ समय पहले से ही खबरों का बाजार गर्म था कि 10 कदम सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड पर आई एक कंटेस्टेंट के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में जानने के बाद से सलमान ने उनकी बेटी की पढ़ाई स्पॉन्सर करने का वादा किया है। वह और अब उस एपिसोड के एयर होने के बाद से ही नेटिजन सलमान के इस जेस्चर की तारीफ करते नहीं थक रहे। बताते चले, ये पहली दफा नहीं है जब सलमान किसी की मदद कर रहे हैं और उनका चैरिटेबल फाउंडेशन Being Human हर रोज न जाने कितने लोगों को मदद करते हैं, जिसमें से ये प्रतिभागी भी एक थी। वैसे अब अगर सलमान के प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म्स और टेलीविजन कमिटमेंट्स के बीच में जगलिंग कर रहे हैं। मैं हूँ ज्योति नहार और बॉलीवुड से जुड़ी लगातार खबरों के लिए जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। पिछले साल क्रिसमस पर रिलीज हुई सलमान खान और कटरीना कैफ की मच लव्ड फिल्म टाइगर जिंदा है ने न केवल सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, बल्कि टाइगर सीरीज में एक और सीक्वल की उम्मीद भी दे गई। बताते चलें, इस दिन रेस 3 के लिए दिए गए एक इंटरव्यू में सलमान खान को जब टाइगर जिंदा है के सीक्वल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, जी हाँ, टाइगर जिंदा है का सीक्वल जरूर बन रहा है और इस बार इस फिल्म का टाइटल होगा जोया जिंदा है। वेल, सलमान के सेंस ऑफ ह्यूमर से तो हम सभी वाकिफ हैं। वैसे अगर आपको पता ना हो तो बता दें, टाइगर जिंदा है की रिलीज के बाद फैंस ने जोया जिंदा है की डिमांड की थी, जिसके बाद कई न्यूज पोर्टल्स ने इसमें रंग चढ़ाकर बताया कि कटरीना कैफ के साथ जोया जिंदा है जल्द ही बनने वाली है। और अब उसी बात को लेकर सलमान ने खुद ही इस दिन इस बात का मजाक उड़ाया। प्ले द कैरेक्टर ऑफ सलमान इन द फिल्म। देखिए, विकी सलमान नहीं है फिल्म में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। आई एग्री। विकी इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ संजू के कई फ्रेंड्स है, उनकी लाइफ का एक तरह से मिश्रण है। और एक स्पेसिफिकली एक संजू के बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो यूएसए में रहते हैं, उनका नाम है परेश। मेजॉरिटी ऑफ हिज कैरेक्टर ट्रेट्स, हिज पर्सनैलिटी इज फ्रॉम परेश's लाइफ। हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय, दिस, मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में। हाय सदेश सर, ट्रेलर बहुत ही बेहतरीन है, आपने ट्रेलर को देखा। रणवीर सर, आपका क्या रिस्पॉन्स है, आपको, आप कैसे समराइज करेंगे इस 3 मिनट और 3 सेकंड के ट्रेलर को? आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू समराइज, क्योंकि हम इस फिल्म पे 2 साल हमने काम किया है। यू नो, यू फील के जो ट्रेलर होता है, वी ट्राई एंड रिप्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ द फिल्म ताकि वो हम ऑडियंस को उत्साह सके। बट आई ऑलवेज हैड बिलीफ इन द स्क्रिप्ट, इन द फिल्म, इन राजू सर्स विजन। सो इट्स वे बिगर देन द ट्रेलर फॉर मी। यू नो, ट्रेलर इज जस्ट अ शॉर्ट विंडो ऑफ व्हाट्स गोइंग टू कम इन द फिल्म। सलमान खान की फिल्म रेस 3 को मिला एडल्ट सर्टिफिकेट। वैसे तो सलमान खान फैमिली फिल्में ही करना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि अपने फिल्मों में वो किसिंग सीन तक अलाउ नहीं करते। ऐसे में उनकी अपकमिंग फिल्म रेस 3, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है, उसे मिला एडल्ट सर्टिफिकेट। अरे अरे, घबराइए नहीं, रेस 3 को यह एडल्ट सर्टिफिकेट UAE के सेंसर बोर्ड से मिला है। दरअसल UAE के सेंसर बोर्ड के हिसाब से जब तक कोई फिल्म पूरी तरह से सेंसर बोर्ड में पास नहीं हो जाती, तब तक के लिए फिल्म को 18+ टेम्पररी सर्टिफिकेट दिया जाता है, ताकि जब एडवांस बुकिंग में टिकट खरीदें तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खरीदें। वैसे बता दे, रेस 3 के लिए काउंटडाउन तो शुरू हो ही चुकी है, अब इंतजार है तो बस इसके रिलीज का। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान के साथ रेस 3 में पहली बार काम कर रहे एक्टर्स साकिब सलीम और फ्रेडी दारूवाला से लेकर उनके साथ इससे पहले भी काम कर चुकी एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह सलमान की तारीफ करते नहीं थकते। बता दें, एक इंटरव्यू के दौरान जैकलिन को जब उनके रेस 3 को स्टार सलमान के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, सलमान अपने आसपास रहने वाले हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन जब मैं सलमान से पहली बार मिली थी तब मैं उनसे काफी डरती थी। इसमें उनका कोई कसूर नहीं, दरअसल उनके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा होती है कि कोई भी घबरा जाएगा। हालांकि अब मैं उनसे नहीं डरती, लेकिन जब भी मैं उनके साथ शूट करती हूँ मैं एक्साइटेड होकर अपने डायलॉग्स भूल जाती हूँ। आपको बताते चले कि इससे पहले सलमान और जैकलिन फिल्म किक में एक साथ काम कर चुके हैं और अब एक बार फिर ये दोनों रेस 3 में एक साथ दिखाई देंगे। एक बार फिर सलमान, जैकलिन और डेजी आएंगे साथ। वेल, सलमान खान के अपकमिंग वेंचर रेस 3 के बाद एक बार फिर सलमान और रेमो डिसूजा एक साथ काम करने के लिए हैं तैयार। वेल, एक हालिया इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया
पहले वो और रेमो एक साथ एक डांस फिल्म करना चाहते थे, फिर अचानक रेस 3 आ गई और अब भरत और दबंग 3 की शूटिंग खत्म होते सलमान इस डांस फिल्म के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। बताते चले कि इस दिन एक लीडिंग रैली के साथ इंटरव्यू के दौरान सलमान ने बताया, जैसे कि अभी तक किक 2 का स्क्रिप्ट रेडी नहीं हो पाया, मैं रेमो के साथ फिल्म की तैयारी शुरू कर दूंगा। आगे सलमान बताते हैं उनकी दोनों निको स्टार्स जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह को सबसे पहले इस फिल्म के लिए ऑन बोर्ड वेलकम किया गया था और अब अगले साल इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी।